प्रदेश में नौतपा के चलते तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फलौदी में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं बाड़मेर और जैसलमेर की बात करी जाए तो यहां पर दूसरे दिन भी तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से दोपहर में सड़कों पर कर्फ्यू जैसी स्थिति लग गई है। लू लोगों को खासा परेशान कर रही है। वहीं मौसम विभाग ने 3-4 दिनों तक भीषण गर्मी और तीव्र लू चलने की आशंका व्यक्त की है, साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी होने का अंदेशा जताया है। राजस्थान में तो आप देखते हैं जिस तरह गर्मी का प्रकोप होता है, हमेशा ही रहता है। इसमें मेरी सभी से अपील है कि हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, पानी की बहुत आवश्यकता होती है। मैंने अपील की है कि सभी मिलकर के इसमें ध्यान रखें। सरकार की ओर से भी माकूल व्यवस्था करने की ये कहा है, निर्देशित किया है। वो गौशाला से लेकर के जहां पानी की आवश्यकता है, टैंकर से लेकर के सभी कर्मचारी अधिकारियों को निर्देशित किया है। बिजली पानी की व्यवस्था ठीक रहे और चिकित्सा स्वास्थ्य की, क्योंकि मौसम का बदलाव है तो वहां भी कहा है कि वो भी ठीक प्रकार से रहे और हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी पूर्ण रूप से उसके लिए तैयार रहे और हमने सभी की छुट्टियां भी निरस्त। राजस्थान में चल रहे हीट वेव और सीवियर हीट वेव का दौर अभी भी अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में, यानी जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, इसके अलावा अजमेर, उदयपुर, वहीं कोटा और भरतपुर संभाग के अधिकतर भागों में आप देखेंगे अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इस दौरान अधिकांश भागों में सीवियर हीट वेव की परिस्थिति रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान 47 से कहीं कहीं 49 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी ज़्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड होने की संभावना है।